श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़े ही आनंद और गौरव का विषय है कि जिस घड़ी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे कई वर्षों से, आज उस घड़ी के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रभु श्री रामभद्र जी की जन्मभूमि लीलास्थली मोक्षदायिनी पुरी श्री अयोध्या जी में दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की दिशा में हमने शिलान्यास के द्वारा निर्माण का प्रारंभ कर दिया है। देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के करकमलों से और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी एवं श्री मोहन भागवत जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और देश के गणमान्य संतों और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में यह शिलान्यास का, भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही जो एक नया प्रारूप बना है मंदिर का, जो और सुंदर है और भव्य है, वो बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला उसमें प्रतिष्ठित होंगे। तब जो उत्सव बनेगा उसकी और उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा रहेगी। मैंने 1990 में पुराने ढांचे में विराजे हुए रामलला का भी दर्शन किया है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और रामचंद्र परमहंस दास जी मुझे ले गए थे दर्शन कराने। उसके बाद टेंट में टाट के नीचे रह रहे रामलला का भी दर्शन किया है और अब दिव्य और भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला का दर्शन करने के लिए हम बहुत उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, लाखों लोगों का भक्तिपूर्ण प्रेम परिश्रम इस यात्रा में रहा है और उसकी नींव पर यह राम मंदिर बनेगा। बहुत बहुत बधाई संपूर्ण भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व की मानवता को, जिनको मानव मूल्यों में श्रद्धा है, मानव मूल्यों के प्रति जिनकी निष्ठा है, उन सब के लिए जो एक आदर्श जीवन की आचार संहिता रूप है रामायण और उसके नायक हमारे आराध्य प्रभु श्री रामभद्र के मंदिर के निर्माण के शुभारंभ के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।